स्वात के गांव ओडिग्राम में इस पहाड़ी पर किसी जमाने में एक बड़ा शहर आबाद था। यहां मौजूद राजा गिरा किले के आसार आज भी देखे जा सकते हैं। आइए इस बारे में मजीद जानते हैं। राजा गिरा का ये किला अपने जमाने में दिफाई नुक्ता नजर से निहायत अहमियत का हामिल रहा है। यहाँ से पूरा इलाका पश्तो मकौले के मिस्ताक हाथ की हथेली की तरह साफ नजर आता है। इस किले तक दरियाए स्वात से पानी ऊपर चूटी तक पाइपों के जरिए सप्लाई किया जाता था। दरअसल यही पानी आगे जाकर सुल्तान महमूद गजनवी की अफवाज की फतेह और राजा गिरा की शिकस्त का जरिया बना था। दरियाए स्वात काफी नीचे है और पहाड़ की चूटी ऊपर। इस हवाले से एक रिवायत मशहूर है कि पानी की फराहमी के लिए खास किस्म के छोटे बर्तन बनाए गए थे, जिन्हें एक खास तकनीक से एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह नस्ब किया गया था कि एक बर्तन पानी से भरता तो वो खुद बहुत टेढ़ा हो जाता और उसका पानी साथ ही नस्ब शुदा दूसरे बर्तन में गिर जाता। इस तरह दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा बर्तन भरता चला जाता। यूं ये पानी ऊपर चूटी पर नस्ब सबसे बड़े बर्तन में जा गिरता, जहाँ से किले की आबी जरूरियात को पूरा किया जाता। दूसरी मशहूर रिवायत के मुताबिक पानी की फराहमी एक नाली के जरिए से हुआ करती थी। ओडिग्राम के बड़े बूढ़े राजा गिरा के किले को फतेह करने के हवाले से दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। जीना बसीना मुंतकिल होती हुई कई रिवायात में से एक दिलचस्प रिवायत के मुताबिक जब सुल्तान महमूद गजनवी की फौज ने राजा गिरा को ललकारा तो ये किला अंदर से बंद कर दिया गया। दिनों पर दिन गुजरते गए, हत्ता के सुल्तान की फौज उकता गई। ऐसे में सुल्तान महमूद गजनवी का अपनी फौज के नाम पैगाम आया कि किला चूंके पहाड़ी के ऊपर कायम है, इसलिए अगर पानी की सप्लाई लाइन काट दी जाए तो किले को फतेह करने की सबील निकल सकती है। रिवायत के मुताबिक जब जंग में दोनों तरफ से सिपाही दादे शुजात दे रहे थे तो किले से खामोशी के साथ राजा गिरा निकले और पहाड़ी की दूसरी जानिब वाके मोजा शगई के रास्ते जान बचाने में कामयाब रहे। इस किले की खुदाई अतालवी आसारे कदीमा के मिशन की जेरे निगरानी 1958 में की गई थी। आसारे कदीमा के माहिरीन के मुताबिक ये किला 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी की फौज की आमद तक काबिल इस्तेमाल रहा। राजगिरी यानी राजा गिरा के हवाले चीनी और तिब्बती जायरीन के सफरनामों में भी मिलते हैं। प्रोफेसर टूची के मुताबिक 13वीं सदी में उद्याना आने वाले मशहूर तिब्बती राहिब उर्जनपा ने लिखा है कि एक दिन वो रायकार यानी राजगिरी पहुँचे जहाँ बादशाह इंद्राभूति का सदर मकाम था। इस तरह 17वीं सदी में स्वात आने वाले एक और तिब्बती राहिब तकसिम रास्पा ने भी इसे रायसर लिखा है कि रायसर यानी राजगिरी के जुनूब मगरबी पहाड़ पर बादशाह इंद्राभूति का 9 मंजिला महल था, मगर अब इसके सिर्फ आसार नजर आते हैं। किसी जमाने में यहाँ आबाद एक बहुत बड़े शहर के आज सिर्फ आसार बाकी है। ताहम खदशा है कि अगर इन आसार की देखभाल ना की तो ये भी बहुत जल्द सफाई हस्ती से मिट जाएंगे।